डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे। आपने सीखी थी कि संबंध की क्या परिभाषा होती है। फिर अपन बात कर रहे थे कि संबंध का प्रांत व परिसर अपन कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने बात की थी कि समतुल्य संबंध क्या होता है, तत्समक संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है। फिर अपन बात कर रहे थे प्रतिसमित संबंध क्या होता है। लास्ट में अपन ने बात की थी संक्रामक संबंध की बात की थी। उससे आगे अपन बात कर रहे हैं देखो तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध की अपन बात कर रहे हैं देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन की अपन बात कर रहे हैं देखो। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। समूचे ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर। सबसे पहले बात तो क्या होना चाहिए देखो, समतुल्य होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए देखो, सममित होना चाहिए, यानी सिमेट्रिक होना चाहिए देखो। थर्ड क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए देखो। संक्रामक होना चाहिए देखो, यानी समूचे ए पर संबंध आर है वो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि संबंध आर क्या हो, समतुल्य हो। समतुल्य का मतलब क्या है, ए का संबंध ए से होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी समूचे ए के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, स्वयं के साथ में संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ भी संबंध हो सकता है। सममित का मतलब क्या होता है देखो, ए का संबंध अगर बी से है तब अपने वो चेक करना है कि बी का संबंध ए से है या नहीं। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए देखो। अगर ए बी जैसा कर्मित युग्म वहां पे आ रहा है तब अपने वो देखना है कि बी उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, वरना कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, वो संबंध हमेशा क्या माना जाएगा, सिमेट्रिक माना जाएगा देखो। संक्रामक का मतलब ये होता है कि ए का संबंध अगर बी से है, बी का संबंध अगर सी से है, तब क्या होना चाहिए देखो, ए का संबंध सी से होना चाहिए देखो। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर वहां पे आ रहे हैं तब अपन ये चेक करेंगे कि ए का संबंध है वो बी से है या नहीं। तब अपन ये चेक करके देखेंगे, अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तब अपन ये चेक करेंगे कि ए का संबंध सी से है या नहीं। कहने का मतलब ऐसा कर्मित युग्म अगर आ रहा है, अगर ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तब अपने वो चेक करना है कि ए का संबंध सी से है या नहीं, यानी ए सी है या नहीं, वो अपने वो चेक करना देखो। सीधी सी बात है, जैसे ये कर्मित युग्म है, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो अपने ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिसके शुरू में बी आ रहा है, उन दोनों के लिए अपन संक्रामकता चेक करते हैं। अगर ये दोनों कर्मित युग्म नहीं है तो अपने वो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, वो संबंध हमेशा क्या माना जाता है, सममित संबंध माना जाता है। अगर समूचे ए पे सबसे छोटे तुल्यता संबंध की बात करें देखो, समूचे ए पर सबसे छोटा तुल्यता संबंध, समूचे ए पर तुल्यता संबंध की बात कर रहे हैं, समूचे ए पर तुल्यता संबंध की बात कर रहे हैं। अगर सबसे छोटा तुल्यता संबंध अगर अपन देखें तो सबसे छोटा तुल्यता संबंध क्या हो जाएगा देखो, ए क्रॉस ए हो जाएगा। सबसे छोटा तुल्यता संबंध क्या हो जाएगा देखो, सबसे छोटे तुल्यता संबंध की अगर अपन बात करें तो सबसे छोटा तुल्यता संबंध हो जाएगा देखो, तत्समक संबंध। सबसे छोटा तुल्यता संबंध हो जाएगा तत्समक संबंध। तत्समक संबंध है वो क्या होता है, सबसे छोटा तुल्यता संबंध होता है देखो। ऐसे अगर सबसे बड़े संबंध की बात करें देखो, सबसे बड़े तुल्यता संबंध की बात करें, अगर सबसे बड़ा तुल्यता संबंध अगर देखें तो सबसे बड़ा तुल्यता संबंध क्या हो जाएगा देखो, एक रोस ही हो जाएगा। एक रोस ये हो जाएगा, यानी सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा देखो, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। भाई अगर समूचे ए पर अगर अपन सबसे छोटे संबंध की बात करें, सबसे छोटे तुल्यता संबंध की बात करें, तो सबसे छोटा तुल्यता संबंध क्या हो जाएगा, तत्समक संबंध हो जाएगा देखो। समूचे ए पर तत्समक संबंध लिख देंगे, वो क्या होगा, सबसे छोटा तुल्यता संबंध होगा देखो। ऐसे अगर सबसे बड़े तुल्यता संबंध की बात करें तो एक रोस ए लिख देंगे देखो, एक रोस ए में जितने भी अवयव आएंगे वो सारे अगर अपन लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा तुल्यता संबंध हो जाएगा। वो समतुल्य भी हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा, और सबसे बड़ा तुल्यता संबंध हो जाएगा देखो। कोई भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं देखो, भी कोई भी एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, जैसे ए बराबर मैंने ले लिया एक दो ले लिया देखो, ए बराबर मैंने एक दो ले लिया देखो। अब इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ तत्समक संबंध लिख रहा हूँ देखो, तत्समक संबंध में लिख रहा हूँ देखो। तो तत्समक संबंध का मतलब क्या होता है, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए देखो, केवल और केवल समय के साथ में संबंध होना चाहिए। तो एक का संबंध एक से होना चाहिए देखो, दो का संबंध दो से होना चाहिए। अगर मैं इतना लिख देता हूँ तो ये संबंध क्या हो जाएगा देखो, समतुल्य भी हो जाएगा। समतुल्य हो जाएगा क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक का संबंध एक से है, दो का दो से देखो।
सममित भी हो जाएगा क्योंकि ए बी नहीं है इसके अंदर। अगर ए बी है नहीं है तो बी ए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो संबंध हमेशा क्या माना जाता है, सममित संबंध माना जाता है। ऐसे ही संक्रामक संबंध भी हो जाएगा भाई, अगर ए बी होता बी सी होता तब अपन चेक करते हैं कि ए का संबंध सी से है या नहीं। तो इस संबंध को अगर अपन बात करें तो ये सौतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, तुल्यता संबंध कह सकते हैं, इसको अपन क्या कह सकते हैं, तुल्यता संबंध अपन कह सकते हैं, इसको तुल्यता संबंध कहा जा सकता है। सबसे बड़ा तुल्यता संबंध अगर अपने को देखना है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, देखो सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा तुल्यता संबंध है, ये हो जाएगा सबसे छोटा तुल्यता संबंध। कम से कम अपने को इतने कर्मित युग्म तो लेने ही पड़ेंगे। देखो सबसे बड़ा तुल्यता संबंध अगर अपन देखें तो अपन लिख देंगे, देखो ए क्रॉस ए लिख देंगे, ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी अवयव आते हैं वो सारे अपन लिख देंगे। देखो ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, ए बराबर वन टू हो गया, फिर मैंने ए बराबर वन टू लिख लिया। देखो अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपन करवा रहे हैं, देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं, देखो पहला अवयव यहाँ से लेना है, दूसरा अवयव यहाँ से लेना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर अपन लिख सकते हैं वो सारे लिख देंगे। देखो तो एक का संबंध किससे हो जाएगा, देखो एक से हो जाएगा, फिर एक का संबंध किससे हो जाएगा, दो से हो जाएगा, देखो फिर दो का संबंध किससे हो जाएगा, देखो एक से हो जाएगा, फिर दो का संबंध किससे हो जाएगा, दो से हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप चेक करो तो देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं कि सौतुल्य है या नहीं, तो अपन देख रहे हैं देखो एक का संबंध एक से है, दो का दो से है, इसका मतलब सौतुल्य हो जाएगा। सममित के अंदर अपने को इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखो इसको अपन चेक करेंगे। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं एक का संबंध दो से है तो दो का संबंध भी एक से आ रहा है, देखो तो इसका मतलब ये संबंध है वो क्या हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा। फिर अपन संक्रामक चेक करेंगे, देखो अगर एक का संबंध दो से है, दो का एक से है तो क्या होना चाहिए, एक का एक से होना चाहिए, वो आ रहा है, देखो एक का एक से आ रहा है। तो यहाँ अपन चेक कर रहे हैं, देखो एक का संबंध अगर दो से है, दो का एक से है तो एक का एक से होना चाहिए और वो भी इसके अंदर है, देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं, देखो तुल्यता संबंध अपन कह सकते हैं, तुल्यता संबंध इसको कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समूचे ए के ऊपर सबसे छोटा तुल्यता संबंध अगर लिखना है तो लिख देंगे अपन तत्समक संबंध लिख देंगे, देखो अगर सबसे बड़ा तुल्यता संबंध अगर लिखना है तो लिख देंगे एक रो से लिख देंगे। देखो उसके बाद में देखो नोट लगा के कुछ बातें अपन लिख सकते हैं, देखो यदि R व S तुल्यता संबंध है, देखो अगर R व S तुल्यता संबंध है, यदि R व S तुल्यता संबंध है तब अपन ये कह सकते हैं, देखो R इंटरसेक्शन S है वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। देखो R इंटरसेक्शन S है वो भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। देखो ये तुल्यता संबंध होता है, देखो लेकिन अपन ये कह सकते हैं, देखो R यूनियन S है या R माइनस S है, इनका तुल्यता संबंध होना आवश्यक नहीं है। देखो इनका तुल्यता संबंध होना आवश्यक नहीं है, इनका तुल्यता संबंध होना आवश्यक नहीं है, देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अगर R और S तुल्यता संबंध है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, लेकिन R यूनियन S है, R माइनस S है, इनका तुल्यता संबंध होना आवश्यक नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल लेके अपन देख सकते हैं, देखो जैसे ए बराबर अपन ने ले लिया, मान लो वन टू थ्री ले लिया, देखो ए बराबर मैंने ले लिया, वन टू थ्री ले लिया। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक तुल्यता संबंध लिख रहा हूँ, देखो अब तुल्यता संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले होना चाहिए सौतुल्य। तो सौतुल्य का मतलब एक का संबंध एक से होना चाहिए, दो का संबंध दो से होना चाहिए, तीन का संबंध तीन से होना चाहिए, देखो ये होना चाहिए। देखो तुल्यता संबंध होने के लिए सबसे पहले तो सौतुल्य होना चाहिए, सौतुल्य के लिए लेना पड़ेगा देखो अपने को। उसके बाद में सपोज मैंने इसमें ले लिया एक दो ले लिया, अब एक दो ले लिया तो इसको मेरे को सममित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एक भी लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। अगर मैं इतना ले लेता हूं तब ये क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। यहाँ अपन देख रहे हैं सौतुल्य, देखो ये सौतुल्य सममित अपने को उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसको चेक कर लेंगे अपन। देखो एक का संबंध दो से है, दो का संबंध भी एक से है, तो इसका मतलब सममित हो जाएगा। देखो संक्रामक अपन कैसे चेक करेंगे, देखो एक का संबंध दो से है, दो का एक से है, तो एक का एक से होना चाहिए, एक का एक से भी आ रहा है, देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, देखो एक तुल्यता संबंध अपन कह सकते हैं, इसको अपन एक तुल्यता संबंध अपन कह सकते हैं। सेकंड अपन ये ले रहे हैं, देखो S बराबर मैंने ये ले लिया, देखो S बराबर मैंने ले लिया 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, देखो फिर मैंने ले लिया 3 3 ले लिया। देखो कम से कम इतने एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे, जब भी आप तुल्यता संबंध लिखोगे तो कम से कम इतने एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे। अब कोई एक एलिमेंट में और ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया 2 3 ले लिया, देखो 2 3 ले लिया। अब 2 3 अगर लेता हूं तो मेरे को 3 2 भी लेना पड़ेगा, देखो सिमेट्रिक बनाने के लिए ये भी लेना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। देखो अब मैं निकाल रहा हूँ R इंटरसेक्शन S निकाल रहा हूँ, देखो अब अपन निकाल रहे हैं R इंटरसेक्शन S निकाल रहे हैं। R इंटरसेक्शन S का मतलब दोनों में जो कॉमन है वो अपन लिखेंगे, देखो
तो एक का संबंध एक से ले लेंगे देखो अपन, दो का संबंध दो से ले लेंगे, तीन का तीन से देखो ये ले लेंगे देखो। अब इसकी बात करें तो देखो ये तत्समक संबंध है और तत्समक संबंध हमेशा क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तत्समक संबंध हमेशा क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। समतुल्य हो जाएगा, सममित हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो इसको अपन कह सकते हैं देखो ये तुल्यता संबंध आ रहा है, इसको अपन ये कह सकते हैं देखो ये तुल्यता संबंध आ रहा है, ये तुल्यता संबंध हो जाएगा देखो। लेकिन अगर मैं R यूनियन S की बात करता हूं, देखो R यूनियन S की बात कर रहे हैं देखो, यूनियन के अंदर अपन क्या करते हैं जितने भी कर्मित युग्म है जितने भी एलिमेंट है सबको मिला के लिख देंगे देखो। तो यहां से अगर अपन देखें तो R यूनियन S में क्या आ जाएगा, 1-1 आ जाएगा देखो, 2-2 आ जाएगा, फिर 3-3 आ जाएगा देखो, यहां से 1-2 आ जाएगा, फिर 2-1 आ जाएगा देखो, ऐसे 2-3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 3-2 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा R यूनियन S ही आ जाएगा। अब इसको चेक करो, देखिए ये तुल्यता संबंध है क्या, और ये वैसे एग्जाम की दृष्टि से भी अपने को चेक करना आना चाहिए। सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ऐसा आपने को एक दिया हुआ था और पूछा गया था कि तुल्यता संबंध है या नहीं। तो यहाँ अपन चेक करते हैं कि तुल्यता संबंध है या नहीं। अब तुल्यता संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो देखो समतुल्य होना चाहिए। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं देखो ये समतुल्य हो जाएगा, समतुल्य तो हो रहा है, ठीक है ये बात। फिर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो एक का संबंध दो से है, दो का संबंध एक से है, ठीक है, दो का तीन से है, तीन का दो से, ठीक है। तो ये समतुल्य हो गया, सममित हो गया, समतुल्य हो जाएगा, सममित हो जाएगा। देखो संक्रामक है क्या, देखो देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक तो देखो समतुल्य हो गया। सिमेट्रिक है क्या, वो अपन चेक कर रहे हैं, देखो सममित है क्या, ये अपन चेक कर रहे हैं। देखो संक्रामक है क्या, देखो वो अपन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ अगर देखें तो संक्रामक चेक करने का सीधा सा तरीका, देखो यहाँ पे देखो एक का, यहाँ पे देखो एक का संबंध किससे है, दो से। अब ऐसा कर्मित युग्म लेंगे जिसके शुरू में दो आ रहा है, शुरू में दो देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो शुरू में दो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक का संबंध दो से है, फिर दो का संबंध एक से है, तो एक का एक से होना चाहिए, एक का एक से तो है, ठीक है देखो। अब इन दोनों एलिमेंट्स के लिए अपन देखो संक्रामकता चेक कर रहे हैं, देखो इनके लिए संक्रामकता चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक का संबंध दो से है, दो का तीन से है, तो क्या होना चाहिए, देखो एक का संबंध तीन से होना चाहिए, देखो संक्रामक होने के लिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं है। देखो एक का संबंध तीन से इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है, ये अपन कह सकते हैं संक्रामक नहीं, और संक्रामक नहीं है इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं देखो R और S अगर तुल्यता संबंध है तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, लेकिन यूनियन का इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी नहीं है। देखो ऐसे R माइनस S भी क्या हो जाएगा, देखो तुल्यता संबंध होना आवश्यक नहीं है, R माइनस S का भी तुल्यता संबंध होना आवश्यक नहीं है। R माइनस S का मतलब तो ये हो गया, देखो R में से अपन S को हटा देंगे, R में से S को हटाने का मतलब क्या क्या बचेगा भाई, R में से अगर अपन S को हटा देंगे तो ये एलिमेंट बचेंगे, देखो केवल ये एलिमेंट बचेंगे, और ये एलिमेंट बचेंगे तो देखो ये समतुल्य ही नहीं होगा, फिर ये जो संबंध है वो समतुल्य ही नहीं होगा। तो इसी प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि R माइनस S वो भी क्या है, तुल्यता संबंध नहीं होता। देखो एक बात अपन ये कह सकते हैं, देखो R अगर तुल्यता संबंध है, R अगर तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। देखो R इनवर्स भी क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, ये बात अपन कह सकते हैं। अगर R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। कोई भी एग्जांपल लेके अपन देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ एग्जांपल अपन चेक कर रहे हैं। देखो समूचे ले लिया अपन ने, n ले लिया, देखो समूचे अपन ने n ले लिया, a का संबंध b से ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो मोड ऑफ a माइनस b लेस देन इक्वल टू 5। अपने वो चेक करना है कि जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है या नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, वो अपने वो चेक करना है। देखो तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे, देखो समतुल्य, सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं देखो समतुल्य, और समतुल्य चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है, देखो b की जगह a करके देख लेंगे, दोनों को सेम करके देख लेंगे। देखो अगर दोनों को सेम करने पे सही बात अगर आ जाती है तब वो संबंध क्या होता है, समतुल्य संबंध होता है। देखो तो यहां मैंने b की जगह a किया तो ये आएगा देखो 0 less than equal to 5, सत्य बात है, फिर 0-5 से छोटा होता है अपन ये बात जानते हैं, और 0-5 से छोटा है इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, देखो समतुल्य हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। देखो ये अपन कह सकता है, समतुल्य चेक करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बिल्कुल आसान तरीका है, बी की जगह ए करके देख लेंगे, बस दोनों को सेम कर लेंगे, अगर दोनों को सेम करने पे सही बात आ जाती है तो इसका मतलब वो संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। देखो तब वो संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं, देखो इसको संक्रामक चेक कर रहे हैं, सॉरी सममित चेक कर रहे हैं, सेकंड अपन चेक कर रहे हैं, देखो सममित, सममित चेक कर रहे हैं।
अब सम्मित चेक करने का कितना आसान तरीका है, देखो सम्मित का मतलब ये होता है ए का संबंध बी से तो अपन मानेंगे, और ये अपन चेक करेंगे कि बी का संबंध ए से है या नहीं। तो बिल्कुल इसको इस तरीके से लिख लिया करो। देखो अब इसका मतलब क्या है वो लिख लो। देखो इधर तो इसका मतलब है मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू फाइव। इसका मतलब क्या, देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए और बी को इसमें चेंज कर देंगे तो इसका मतलब है मोड ऑफ बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू फाइव। देखो ये मतलब हो गया। देखो सब सम्मित चेक करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे। देखो अब ऐसी दो संख्याएं लो जो इसको संतुष्ट करती हैं। देखो अगर वो ही संख्याएं इसको भी संतुष्ट करेंगी तब ये संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। कोशिश अपने को हमेशा ऐसी संख्याओं की करनी चाहिए कि ऐसी संख्याएं अपन लें, भी कोशिश हमेशा इस तरीके से करेंगे कि ये बात डिस्प्रूव हो जाए। कोशिश अपने को ये करनी है कि ये बात डिस्प्रूव हो जाए। तो यहां मैंने ले लिया सपोज ए बराबर मैंने एक ले लिया, बी बराबर मैंने चार ले लिया। ए बराबर अगर एक लेता हूँ, बी बराबर चार लेता हूँ, तो ये माइनस तीन आएगा, माइनस तीन का मापांक तीन होगा, पांच से छोटा होगा। देखो अब ये संख्या अपन यहाँ पे रखेंगे। देखो बी बराबर चार रख दिया, ए बराबर एक रख दिया। देखो ये रख दिया मैंने, बी बराबर चार रख दिया मैंने, ए बराबर एक रख दिया। देखो इसका मान कितना आएगा, तीन, विच इज लेस देन इक्वल टू फाइव, जो कि पांच से छोटा है, और पांच से छोटा है इसका मतलब सत्य बात आ रही है। देखो सत्य बात आ रही है, यानी ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो इसको संतुष्ट करे। अगर वो ही संख्याएं इसको भी सेटिस्फाई कर रही हैं तब वो संबंध क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो ये सममित संबंध है, यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो सममित संबंध है, ये अपन कह सकते हैं। बाकी सममित के अंदर तो देखो अपन सीधा सा ये देख सकते हैं कि यदि कोई संक्रिया ऐसी है जो कर्म विनी में हो, भाई कर्म का महत्व नहीं हो, जिसके अंदर कर्म का महत्व नहीं होता वो हमेशा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो यहाँ अगर अपन बात करें तो देखो ए और बी को अगर चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा बीस पे, अगर यहाँ से माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं तो देखो मोडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी के कर्म का महत्व नहीं है यहाँ पे, कर्म विनी में संक्रिया और कर्म विनी में संक्रिया इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। देखो केवल ये चेक कर लिया करो कि कर्म विनी में है या नहीं, अगर कर्म विनी में है तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो वो हमेशा क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। देखो ये अपन कह सकते हैं। उसके बाद में अपन चेक कर रहे हैं, देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं किसकी, संक्रामकता की। देखो थर्ड अपन चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव। संक्रामक चेक करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये मानना है ए का संबंध बी से मानना है, बी का संबंध सी से मानना। देखो फिर ये चेक करना है कि ए का संबंध सी से आता है या नहीं आता, तो इस तरीके से लिख लेना। देखो इसको हमेशा अब ए का संबंध बी से, इसका मतलब ये है देखो मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू फाइव, इसका मतलब तो ये है। देखो इसका मतलब है मोड ऑफ बी माइनस सी लेस देन इक्वल टू फाइव, ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि मोड ऑफ ए माइनस सी लेस देन इक्वल टू फाइव, ये मतलब है। देखो इसका यानी सबसे पहले अपने को देखो इनको डिफाइन करके लिख लेंगे, इनकी जो डेफिनेशन है वो अपन लिख लेंगे। देखो अब अपने को ए बी सी तीन ऐसी संख्याएं माननी है जो इनको संतुष्ट करे, और कोशिश अपन करेंगे ऐसी करेंगे कि वो संख्याएं ऐसी हो कि ये बात क्या हो जाए, डिस्प्रूव हो जाए। देखो कोशिश अपन ये करेंगे कि ये बात डिस्प्रूव हो जाए, ऐसा अपन एक चैलेंज लेके चलेंगे। देखो तो ए बराबर मैं लेता हूँ, देखो ए बराबर मैंने एक ले लिया, बी बराबर सपोज मैंने पांच ले लिया। देखो अगर मैं ए बराबर एक लेता हूँ, बी बराबर अगर पांच लेता हूँ, तो ये आएगा कितना, देखो माइनस चार, माइनस चार का मापांक चार होगा जो कि पांच से छोटा। देखो फिर बी बराबर मैंने ले लिया पांच, बी बराबर मैंने पांच ले लिया, तो सी बराबर मैं क्या ले सकता हूँ, देखो नौ ले सकता हूँ। अगर बी बराबर पांच सी बराबर नौ यहाँ पे रखूंगा तो ये चार आएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू फाइव है। देखो अब यही मान मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो ए बराबर एक और सी का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो ए की जगह अगर मैं एक रखूंगा, सी की जगह अगर मैं नौ रखूंगा, तो इसका मान कितना आएगा, देखो आठ। अब आठ है वो पांच से छोटा होता है या नहीं होता है, नहीं होता। देखो आठ पांच से छोटा नहीं होता है, और आठ पांच से छोटा नहीं होता है इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। देखो इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं, तो ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, देखो समतुल्य हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, लेकिन संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरीके से आप लिखोगे पहले उसको, इनकी जो डेफिनेशन है वो लिख दोगे। देखो बिल्कुल रीजनिंग टाइप की क्वेश्चन है, फिर ऐसी संख्याएं लेंगे जो इनको संतुष्ट करें, देखो ऐसी संख्याएं लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करें, और फिर वो संख्या अपने को इसको चेक करेंगे। देखो अगर इसको भी संतुष्ट कर देती है तब वो संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। देखो और कोशिश अपने को ये करनी है कि इसको डिस्प्रूव कर दें, अगर फिर भी डिस्प्रूव नहीं होता है तब अपन कहेंगे कि ये संबंध संक्रामक है। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं ये संक्रामक संबंध नहीं है, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, देखो ये अपन कह सकते हैं। और कोई संबंध अपन डिफाइन कर रहे हैं, देखो समूचे मैंने ले लिया आर ले लिया, समूचे मैंने आर ले लिया। देखो एक्स का संबंध वाई से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, देखो वन प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, ये डिफाइन कर दिया। देखो अब अपने वो चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं, तो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं, देखो समतुल्य।
सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं समतुल्य चेक कर रहे हैं। समतुल्य चेक करने का सीधा सा तरीका है, वाई की जगह एक्स करके देख लेंगे भाई, वाई की जगह एक्स करके देख लेंगे। वाई की जगह एक्स करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये बात आएगी 1 + x²। अब यहाँ पे x का मान आपको यहां से रख के देखना, देखो x के प्रत्येक मान के लिए अगर ये बात सत्य आती है तब ये संबंध क्या होगा, समतुल्य होगा। तो आप यहां से x बराबर 0 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन 0 ही आएगा। माइनस 1 करेंगे तो ये देखो 2 बन जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो भी 2 बन जाएगा। देखो यानी हमेशा ये बात क्या आ रही है, सत्य बात आ रही है। देखो और सत्य बात आ रही है इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, देखो समतुल्य हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से अपन बता सकते हैं कि ये संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। फिर अपन चेक करेंगे देखो संक्रामक, फिर अपन चेक करेंगे सममित चेक करेंगे, देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं इसको सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, देखो सेकंड अपन चेक कर रहे हैं सममित चेक कर रहे हैं। सममित का मतलब ये होता है देखो x का संबंध y से अपन मानेंगे और ये अपन चेक करके बताएंगे, देखो ये संबंध अपन चेक करके बताएंगे, x का संबंध अपन y से मान लेंगे और अपन ये सिद्ध करके बताएंगे कि y का संबंध x से है या नहीं, वो अपन चेक करके बताएंगे। तो x का संबंध y से इसका मतलब ये है देखो 1 + xy > 0, इसका मतलब तो ये है देखो, इसका मतलब ये है कि 1 + yx > 0। अब सीधी सी बात है देखो यहाँ पे गुणा संक्रिय है, x और y दोनों गुणा हो रहे हैं और गुणा में क्रम का महत्व नहीं होता है, चाहे आप x को y से गुणा कर दो चाहे y को x से गुणा कर दो। तो इसका मतलब ये अगर बात सही होगी तो ये बात भी क्या होगी, सही होगी। तो वैसे सीधा ये अपन कह सकते हैं कि ये जो संबंध होगा वो क्या होगा, सममित होगा। अगर कोई ऐसी संक्रिया है जो क्रम विनिमय में है, जहाँ क्रम का महत्व नहीं होता है, तो ऐसी संक्रियाएं हमेशा क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिक हो जाएंगे। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, देखो यहाँ अगर अपन देखें तो ये संबंध क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो वैसे आप चेक कर सकते हो भाई, एक्स बराबर 1 ले लिया आपने, वाई बराबर -1 ले लिया, सपोज एक्स बराबर अगर 1 लेते हैं, वाई बराबर अगर -1 लेते हैं तो इसको संतुष्ट ही नहीं करेगा। अपने को ऐसी संख्याएं लेनी है जो इसको संतुष्ट करे। तो एक्स बराबर 1 ले रहा हूँ, वाई बराबर मैं ले रहा हूँ देखो प्लस का 2 ले रहा हूँ। अब x बराबर 1 लेता हूँ, y बराबर 2 लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, देखो 3 > 0 है। अब यही मान अगर अपन यहाँ पे रख के देखते हैं तो ये आएगा देखो इतना आएगा 3, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है देखो। तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, देखो सममित हो जाएगा। देखो ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, देखो अपन ये कह सकते हैं। देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं कि संक्रामक है या नहीं, फिर अपन चेक कर रहे हैं कि संक्रामक है या नहीं, ये अपन चेक कर रहे हैं। देखो थर्ड अपन चेक कर रहे हैं संक्रामक, ट्रांजिटिव अपन चेक कर रहे हैं। संक्रामक में अपन क्या करते हैं, देखो x का संबंध y से मानते हैं, y का संबंध अपन z से मानते हैं, फिर अपन ये चेक करते हैं कि x का संबंध z से है या नहीं, ये अपन चेक करते हैं। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखो बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले देखो इसको डिफाइन करके लिख लेंगे, इसका मतलब है देखो 1 + xy > 0, x का संबंध y से उसका मतलब तो ये हो गया। देखो इसका मतलब क्या, देखो 1 + yz > 0, ये मतलब है इसका। इसका मतलब है देखो 1 + xz > 0, ये मतलब है। देखो संक्रामक चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखो सबसे पहले अपन इस तरीके से लिख लेंगे। देखो इसको x का संबंध y से अपन मानेंगे, y का संबंध z से मानेंगे, ये सिद्ध करके बताएंगे। देखो अब इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ऐसे लिख लेंगे बिल्कुल आसानी से। अब ऐसी 3 संख्याएं अपन लेंगे जो इनको तो संतुष्ट कर दें लेकिन इसको संतुष्ट नहीं करें, कोशिश ये करेंगे कि नहीं करें, ऐसी 3 संख्याएं लेने की अपन कोशिश करेंगे। देखो तो x बराबर मैंने सपोज ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 2, y बराबर मैंने ले लिया 0, x बराबर अगर मैं 2 ले लूँ, y बराबर अगर मैं 0 ले लूँ तो ये बनेगा 1 > 1 > 0 आ रहा है। देखो फिर मैंने z बराबर ले लिया, सपोज मैंने z बराबर ले लिया -3 ले लिया। देखो अगर z बराबर मैं -3 लेता हूँ, y बराबर 0 करता हूँ, z बराबर -3 करता हूँ तो 1 आ रहा है, 1 > 0 आएगा। देखो अब इन्हीं संख्याओं के लिए मैं इसको चेक करूंगा, देखो इन्हीं संख्याओं के लिए अपन इसको चेक करेंगे। देखो तो यहाँ से अगर अपन देखें तो कितना बनेगा, देखो 1 + x की जगह मैंने 2 कर दिया, z की जगह मैंने -3 कर दिया। देखो ये कितना आ रहा है, -6 + 1 यानी -5, -5 > 0 असत्य बात है। देखो असत्य बात है और असत्य बात है इसका मतलब ये संबंध क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, अब थोड़ा सा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कौन सी संख्या लें, तो सीधी सी बात है अगर एक भी संख्या के लिए ये बात अगर डिस्प्रूव हो जाती है, अब सीधा सीधा जैसे x बराबर 2 ले लेते, y बराबर 3 ले लेते, z बराबर 4 ले लेते तो ये बात भी सही आ जाती है, ये बात भी सही आ जाती है। लेकिन अगर एक भी संख्याओं के लिए, अगर कुछ भी संख्याओं के लिए ये बात अगर डिस्प्रूव हो जाती है तो फिर वो बात डिस्प्रूव ही मानी जाएगी। बाकी संख्याओं के लिए सही है भी, बाकी संख्याओं के लिए तो सेटिस्फाई हो जाए कर रही है, लेकिन मान लो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये संबंध संक्रामक नहीं है। फिर तो हमेशा अपने को कोशिश ये करनी है कि इसको डिस्प्रूव कर दे,
और वो अपने बात दिमाग में किससे आएगी, 5, 7, 10 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ऑटोमेटिक तुरंत अपने दिमाग में आ जाएगी, तुरंत अपने दिमाग में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है या कौन सी संख्या अपने को लेनी है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये संबंध सौतुल्य हो जाएगा, सममित हो जाएगा, लेकिन संक्रामक नहीं होगा। देखो संक्रामक नहीं होगा ये अपन कह सकते थे। एक मैं समूचे ले रहा हूँ, देखो बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल अपन करते हैं। देखो समूचे ले रहा हूँ मैं परिवार के सदस्य, देखो समूचे मैं ले रहा हूँ परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य ले लिया। देखो एक्स का संबंध वाई से अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स क्या है, वाई का भाई है। देखो एक्स वाई का भाई है, देखो बिल्कुल एक आसान सा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखो एक्स का संबंध वाई से हो जाएगा यदि एक्स क्या है, वाई का भाई है। एक्स है वो क्या होना चाहिए, वाई का भाई होना चाहिए, तब एक्स का संबंध किससे हो जाएगा, वाई से हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं, देखो इसको समतुल्य चेक कर रहे हैं, सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं समतुल्य चेक कर रहे हैं। देखो समतुल्य का मतलब क्या है, देखो दोनों को सेम करके देख लेंगे, अगर दोनों को सेम करने पे सही बात आती है तब इसका मतलब वो संबंध क्या होता है, समतुल्य होता है। देखो तो अगर दोनों को सेम करेंगे तो ये बात आएगी, देखो एक्स एक्स का भाई है तो क्या ये बात सही है, क्या एक्स एक्स का भाई होता है क्या भाई, कोई खुद है वो भाई, कोई व्यक्ति है तो वो अपना खुद का भाई थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि कोई अगर व्यक्ति है तो अपन कहते हैं कि दो भाई है, एक आदमी को अपन थोड़ी कहेंगे कि दो भाई है, एक व्यक्ति तो खुद एक ही होता है। तो इसका मतलब एक्स एक्स का भाई नहीं हो सकता, खुद अपना भाई नहीं हो सकता, खुद अपना भाई नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये असत्य बात है। खुद अपना भाई नहीं हो सकता इसका मतलब असत्य बात है, और असत्य बात है इसका मतलब ये संबंध सौतुल्य नहीं है। देखो इसका मतलब ये संबंध सौतुल्य नहीं है, देखो ये अपन कह सकता है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो सौतुल्य नहीं है ये अपन कह सकता है। फिर अपने को चेक करना है, देखो सममित चेक करना है, फिर अपने को चेक करना है सममित चेक करना है। सममित के अंदर अपन क्या करते हैं, एक्स का संबंध वाई से मानते हैं और फिर वाई का संबंध अपन एक्स से चेक करते हैं। ये अपन चेक करते हैं, एक्स का संबंध वाई से, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स क्या है, वाई का भाई है। देखो इसका मतलब ये, देखो इसका मतलब ये है कि वाई एक्स का भाई है। देखो इसका मतलब ये है कि वाई एक्स का भाई है। तो देखो देखिए ये बात, दोनों बातें सही हो जाएंगी कि एक साथ कोई भी एग्जांपल अगर लेके देखें अपन, मान लो एक्स को मैं ले लेता हूँ, एक्स बराबर ले लिया मैंने राम, राम ले लिया। देखो वाई बराबर ले लिया मैंने जैसे मोनिका ले लिया, ये ले लिया। देखो भाई एक्स का संबंध वाई से कैसे डिफाइन कर रखा है कि एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। तो यहाँ देखो देखिए राम है वो मोनिका का भाई हो जाएगा, ठीक है राम मोनिका का भाई हो जाए, हो सकता है देखो ये बात ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ ठीक हो जाएगी क्या, देखो वाई y की जगह मैं मोनिका रखूं और x की जगह मैं अगर ये रखूं राम रखूं तो मोनिका राम का भाई है। देखो ये बात सही है क्या, सही नहीं है, और सही नहीं है इसका मतलब ये संबंध क्या नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा। देखो ये संबंध सममित भी नहीं होगा, देखो ये अपन कह सकते हैं। अगर x भाई अपने को ये तो कहीं नहीं रखा है, अपने को ये कह रखा है कि एक्स वाई का भाई है, तो वाई जेंट्स भी हो सकता है और लेडीज भी हो सकती है, तो एक्स वाई का भाई है तो एक्स बराबर राम ले लिया मैंने, वाई बराबर मोनिका ले लिया, तो राम क्या हो जाएगा, मोनिका का भाई हो जाएगा। लेकिन उल्टा अगर देखें तो मोनिका राम का भाई थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये संबंध क्या है, सममित नहीं है। देखो सममित नहीं है। देखो फिर अपन बात करें, देखो संक्रामक की, संक्रामक की बात कर रहे हैं। देखो फिर अपन बात कर रहे हैं संक्रामक की बात कर रहे हैं। देखो संक्रामक का मतलब देखो अपन ये मानेंगे, देखो संक्रामक अपन चेक कर रहे हैं, एक्स का संबंध अपन वाई से मानेंगे, वाई का संबंध अपन जेड से मानेंगे, तब एक्स का संबंध किससे होना चाहिए, देखो जेड से होना चाहिए। देखो एक्स का संबंध वाई से, इसका मतलब एक्स क्या है, वाई का भाई है। देखो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्स क्या है, वाई का भाई है। देखो इसका मतलब ये हो गया कि वाई क्या है, जेड का भाई है। देखो इसका मतलब ये है कि वाई जेड का भाई है, इसका मतलब ये है कि एक्स जेड का भाई है। देखो इसका मतलब ये है कि एक्स जेड का भाई है। देखो अब x y का भाई होना चाहिए और y क्या होना चाहिए, z का भाई होना चाहिए। तो ऐसे तीन आदमी मानो, ऐसे तीन मानेंगे अपन जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो तो x बराबर ले लिया, मान लो मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे ये ले लिया अपन ने, जैसे राम ले लिया, x बराबर राम ले लिया अपन ने। अब y को अगर मैं मान लो लड़की मान लेता हूँ तो फिर ये संबंध संतुष्ट नहीं होगा। देखो तो y को भी अपने को क्या मानना पड़ेगा, जेंट से मानना पड़ेगा। इसको मान लिया मैंने, श्याम मान लिया। देखो भाई y भी क्या होना चाहिए, z का भाई होना चाहिए। तो y को अगर मैं मोनिका ले लेता हूँ तो मोनिका z का भाई थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। तो अपने को x बराबर राम, y बराबर अपने को श्याम लेना ही पड़ेगा। और y बराबर अगर श्याम ले रहे हैं, फिर z बराबर अपन कुछ भी ले सकते हैं। मान लो z बराबर अपने महिला भी ले लिया, सपोज मोनिका ही ले लिया। देखो ये ले लिया, देखो
तो अगर ये तीनों लेते हैं तो ये दोनों संबंध संतुष्ट हो जाएंगे। देखो एक्स वाई का वाई हो जाएगा, वाई जेड का वाई हो जाएगा। अब ये देखो, देखिए ये संबंध संतुष्ट है क्या, ये संबंध संतुष्ट हो जाएगा क्या, वो अपन देख रहे हैं। तो देख रहे हैं देखो, राम मोनिका का भाई हो सकता है, देखो और राम मोनिका का भाई हो सकता है, इसका मतलब ये बात सही है। देखो और सही है इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, देखो संक्रामक हो जाएगा। इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। देखो एक बार एग्जाम के अंदर अभी फर्स्ट ग्रेड 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 जो संस्कृत एजुकेशन की जो एग्जाम होती है वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया है, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम होती है वहां पूछा गया था एक क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड 2018 में संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम होती है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। समूचे अपने को दे रखा था, मान लो ये दे रखा था, एन दे रखा था। देखो समूचे अपने को दे रखा था, एन दे रखा था। देखो ए का संबंध बी से ऐसे डिफाइन कर रखा था, देखो ए और बी, ए और बी ना तो सम संख्या है, देखो ए और बी ना तो सम संख्या है, ए और बी ना तो सम व ना ही विषम संख्या है। देखो ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या। देखो तब अपने वो चेक करना है कि ये संबंध समतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा, क्या होगा। देखो तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह समझने के लिए देखो अपन इस समूचे को लिख रहा हूं। देखो प्राकृत संख्याएं दे रखी, तो प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकती है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्याएं हो सकती है। देखो नेचुरल नंबर सारी, ये सारी संख्याएं हो सकती है। देखो अब संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि ए का संबंध बी से होगा कि ए और बी दोनों न तो सम संख्या होनी चाहिए, दोनों न क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। ए और बी दोनों ना तो सम होनी चाहिए ना विषम होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये होना चाहिए कि एक उनमें सम होनी चाहिए, एक उनमें विषम होनी चाहिए। देखो तब उनका आपस में संबंध होगा। इस बात का मतलब ये हो गया कि दोनों एक साथ न तो सम होनी चाहिए न क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। एक सम होनी चाहिए, एक विषम होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये हो गया कि एक सम होनी चाहिए, एक विषम होनी चाहिए। देखो एक इवन होनी चाहिए, एक ओड होनी चाहिए। देखो तो इसके अंदर अगर अपन ऑर्डर्ड पेयर देखें तो ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, देखो इसके अंदर सबसे पहले जैसे मैं एक ले लेता हूँ, अब एक के साथ में मैं क्या क्या ले सकता हूँ, एक क्या हो गई, देखो विषम संख्या हो गई, ओड नंबर हो गया, तो इसके साथ में मेरे को सम संख्या लेनी पड़ेगी। एक मैं ले नहीं सकता, तो एक के साथ में मैं 2 ले सकता हूँ, फिर एक के साथ में मैं क्या ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, फिर एक के साथ में मैं क्या ले सकता हूँ, देखो 6 ले सकता हूँ। देखो चलता जाएगा, देखो ये संख्या ले सकता हूँ। फिर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के साथ में मैं क्या ले सकता हूँ, देखो 1 ले सकता हूँ। सबसे पहले 2 से 2 लिख लिया मैंने, अब 2 के साथ में क्या क्या ले सकता हूँ मैं देख रहा हूँ। देखो 2 सम संख्या, तो इसके साथ में मेरे को लेनी पड़ेगी विषम संख्या, तो 2 के साथ 1 ले सकता हूँ, फिर 3 ले सकता हूँ, फिर मैं 5 ले सकता हूँ। देखो चलता जाएगा। देखो फिर 3 की बात करें तो 3 के साथ में मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, सम संख्या, तो 3 के साथ में मैं 2 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, फिर 3 के साथ में मैं क्या ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ। देखो अब यहाँ से अगर अपन देखें तो ये संबंध क्या क्या है, देखो देखिए सबसे पहली बात देखो, देखिए समतुल्य है क्या, नहीं है समतुल्य, क्योंकि 1 का संबंध 1 से नहीं आ रहा। देखो एक का संबंध 1 से कहीं पर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये संबंध समतुल्य नहीं है। देखो बिल्कुल आसानी से अपन पता लगा सकते हैं ये संबंध समतुल्य नहीं है। देखो समतुल्य नहीं है ये अपन कह सकते हैं। फिर अपन बात कर रहे हैं, देखो सममित है क्या, सिमेट्रिक है क्या, 1, 2 यहाँ पे आ रहा है तो देखो 2, 1 भी आ रहा है, 1, 4 यहाँ पे आ रहा है, देखो 1, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो आगे अगर अपन चलेंगे तो 4, 1 भी आ जाएगा। देखो 4, 1 भी आ जाएगा। 2, 3 यहाँ पे आ रहा है तो देखो 3, 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, देखो सममित हो जाएगा, सिमेट्रिक है ये अपन कह सकते हैं। देखो सममित हो जाएगा। देखो फिर अपन देख रहे हैं संक्रामक हो जाएगा क्या, ट्रांजिटिव हो जाएगा क्या, वो अपन देख रहे हैं। देखो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, ट्रांजिटिव का मतलब ये है, देखो अगर 1 का संबंध 2 से आ रहा है, देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो 1 का संबंध 2 से आ रहा है, अब लास्ट में जिसके फर्स्ट में 2 आ रहा है उसको अपन लेंगे, देखो इसके फर्स्ट में 2 आ रहा है, देखो तो 2, 2, 1 हो गया। देखो अब अगर 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, देखो 1 का संबंध 1 से, और वो आर के अंदर नहीं आ रहा, देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखो केवल क्या हो जाएगा, देखो ये संबंध सममित हो जाएगा, देखो केवल सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो ये जो संबंध है वो क्या नहीं होगा, देखो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, केवल सिमेट्रिक हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो एक बार दोबारा अपन बात कर लेते हैं। देखो समूचे अपने को ये दे ही रखा था, संबंध ऐसे डिफाइन कर रखा था, ए का संबंध बी से हो जाएगा यदि ए और बी दोनों न तो सम होनी चाहिए न विषम होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये हो गया कि एक सम होनी चाहिए, एक विषम होनी चाहिए। तो एक के साथ में अगर अपन ऑर्डर्ड पेयर लिखें तो ये लिख सकते हैं। देखो 2 के साथ में लिख सकते हैं, 3 के साथ में लिख सकते हैं, फिर आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। देखो आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। देखो ऐसे ही फर्स्ट सेकेंड ग्रेड 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो
सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो ए बराबर दे रखा था, एबीसी दे रखा था, ए बराबर अपने को दे रखा था, एबीसी दे रखा था, एक संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा था, आर वन बराबर अपने को ये दे रखा था, आर वन बराबर अपने को दे रखा था, ए बी दे रखा था, फिर अपने को दे रखा था बी सी दे रखा था, फिर दे रखा था सी ए दे रखा था, फिर दे रखा था ए ए दे रखा था, बी बी दे रखा था, फिर सी सी दे रखा था, इस टाइप से दे रखा था। ऐसे आर टू अपने को ये दे रखा था, देखो आर टू अपने को दे रखा था, देखो ए का संबंध अपने को बी से दे रखा था, ए का संबंध बी से दे रखा था, बी का संबंध सी से दे रखा था, और सी का संबंध अपने को दे रखा था ए से दे रखा था, देखो साथ में ए का संबंध भी अपने को ए से दे रखा था, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर अपने को दे रखे थे, देखो ये कर्मित युग्म अपने को दिए हुए थे। अब अपने को ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तुल्यता संबंध है, या दोनों ही तुल्यता संबंध नहीं है, इस टाइप से ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए थे। तो सबसे पहले इसको अपन चेक करते हैं, देखो सबसे पहले अपन चेक करेंगे इसको समतुल्य, R1 की मैं बात कर रहा हूं तो R1 क्या हो जाएगा, देखो समतुल्य हो जाएगा, देखो यहां से अपन देख सकते हैं, देखो समतुल्य हो जाएगा, R1 की अपन बात कर रहे हैं, देखो R1 है वो क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, देखो फिर अपन चेक करेंगे सममित है क्या, A का संबंध B से लेकिन B का A से नहीं है, तो इसका मतलब सममित नहीं है, देखो सममित नहीं है, देखो सिमेट्रिक नहीं है। फिर अपन चेक करेंगे संक्रामक है क्या, देखो A का संबंध B से है, अब B का संबंध देखो C से है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, तो A का संबंध C से होना चाहिए, देखो लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो C का संबंध A से आ रहा है, C का संबंध A से आ रहा है, A का संबंध C से होना चाहिए और A का संबंध C से इसके अंदर नहीं आ रहा, देखो अगर A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, तो A का संबंध C से होना चाहिए, ये ऑर्डर्ड पेयर है, कर्मित युग्म है या कर्म का महत्व है, AC अलग है, C अलग है, तो इसका मतलब AC इसके अंदर नहीं है, देखो और AC इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, देखो अपन ये कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, देखो तो ये जो रिलेशन है वो केवल समतुल्य है, इसका मतलब अगर तुल्यता संबंध पूछा जाता है तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं होगा, देखो इसको अगर अपन चेक करें तो देखो ये समतुल्य नहीं है, ए का संबंध एक से है लेकिन बी का बी से नहीं है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है, ये अपन कह सकते हैं, ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है, ये अपन कह सकते हैं, देखो फिर अपन बात कर रहे हैं, देखो सममित है क्या, ए का संबंध बी से है लेकिन बी का ए से नहीं है, देखो तो सममित भी नहीं है, देखो सिमेट्रिक भी नहीं है, ये अपन कह सकते हैं, देखो सिमेट्रिक भी नहीं है, देखो फिर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो सी का संबंध ए से दे रखा है, ए का संबंध बी से है, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए था, देखो ए का सी से, वो भी नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये संबंध संक्रामक भी नहीं है, देखो ये जो संबंध है वो संक्रामक भी नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल आसान पूछे जाते हैं, थोड़ा सा अगर अपना बेसिक क्लियर है, बेसिक अगर अपने थोड़ा सा ढंग से अगर पढ़ रखा है तो आसानी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो और कुछ अपन क्वेश्चन करके देख रहे हैं, देखो जैसे मान लो यही है, देखो समूचे अपने वो दे दिया जेड दे दिया, देखो समूचे जेड दे दिया, देखो अक्ष का संबंध y से ऐसे डिफाइन कर दिया, देखो एक्स वाई सम संख्या, देखो अक्ष का संबंध y से इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि एक्स वाई क्या है, सम है। एक बार अभी अपन ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपन काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, वे संबंध कितने डिफाइन कर सकते हैं, समतुल्य संबंध कितने डिफाइन कर सकते हैं, सममित संबंध कितने डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी बातें अपन सीखेंगे, देखो उसके बाद में कुछ अपन इससे इक्विवेलेंस रिलेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन और करेंगे, देखो तो यहाँ देखो अपने को ये समूचे दे रखा है, ये समूह डिफाइन कर रखा है, देखो तो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं इसको समतुल्य चेक कर रहे हैं, देखो सबसे पहले इसको अपन चेक कर रहे हैं समतुल्य, समतुल्य चेक कर रहे हैं, देखो समतुल्य चेक करने का तो सबसे आसान तरीका है, देखो वाई की जगह एक्स करके देख लेंगे, वाई की जगह एक्स करके देख लेंगे तो ये आएगा देखो एक्स स्क्वायर सम है, तो देखो देखो ये बात हमेशा सही हो जाएगी, क्या भाई एक्स का मान अपने को यहाँ से लेना है, सपोज मैं एक्स बराबर लेता हूँ वन ले लेता हूँ, तो x बराबर 1 लेने पे देखो 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा जो कि सम नहीं है, देखो सम नहीं है और सम नहीं है इसका मतलब ये जो बात है वो असत्य बात है, और असत्य बात है इसका मतलब क्या हुआ, ये समतुल्य नहीं है, देखो इसका मतलब ये संबंध है वो क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, देखो बिल्कुल आसान सी बात है, देखो एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं, समतुल्य का मतलब ये होता है कि y की जगह x करके देख लो, अगर y की जगह x करने पे वो बात सही आती है तब वो संबंध क्या होता है, समतुल्य होता है, प्रत्येक संख्या के लिए सही होने चाहिए,
समूचे जेड में जितनी भी संख्या है प्रत्येक संख्या के लिए क्या होना चाहिए, समतुल्य, ये सही होनी चाहिए। समतुल्य का मतलब ये होता है ए का संबंध ए से होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तब उसको अपन कहते हैं समतुल्य कहते हैं। लेकिन एक्स बराबर एक अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो देखो सम संख्या नहीं आएगी, अगर एक्स बराबर दो रखेंगे तब तो सम संख्या आ जाएगी, वो नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा देखो, तो इसका मतलब ये संबंध क्या नहीं होगा, समतुल्य नहीं होगा। देखो बिल्कुल आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। देखो उसके बाद में अपन चेक कर रहे हैं, देखो सममित चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। सिमेट्रिक चेक करने का तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखो वैसे ही अपन बता सकते हैं, देखो कर्म विनिमय संक्रिया, देखो गुणा संक्रिया कर्म विनिमय होती है, कर्म का महत्व नहीं होता है, एक्स का वाई से गुणा करो, वाई का एक्स से गुणा करो, बराबर ही आता है, इसका मतलब सममित है ये, देखो कोई आपको चेक करने की जरूरत नहीं, सिमेट्रिक है। अगर एक्स इंटू वाई अगर सम है तो वाई इंटू एक्स भी सम होगा, क्या फर्क पड़ेगा उसमें, कर्म विनिमय संक्रिया है, कर्म का कोई महत्व ही नहीं है इसके अंदर, गुणा के अंदर, इसका मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं, देखो संक्रामक, संक्रामक अपन चेक कर रहे हैं, देखो संक्रामक चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने बताया था, देखो एक्स का संबंध वाई से मानेंगे, वाई का संबंध जेड से मानेंगे, देखो फिर ये सिद्ध करेंगे, देखो अपन ये सिद्ध करेंगे, देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है संक्रामक चेक करने का, ये दोनों बातें तो अपन मानेंगे और ये सिद्ध करेंगे। देखो अब इसका मतलब क्या बताओ, इसका मतलब है एक्स वाई सम है, इसका मतलब है देखो वाई जेड सम है, ये मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है देखो एक्स जेड सम है। एक बार इनकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख लिया करो, सबसे पहले ये मानना है फिर इनकी डेफिनेशन लिखनी है। देखो अब ऐसी तीन संख्याएं लेनी है जो इसको संतुष्ट करे, अगर वो ही संख्याएं इसको संतुष्ट करती हैं तब वो संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। तो एक्स बराबर मैंने ले लिया, देखो एक्स बराबर मैंने दो ले लिया, एक्स बराबर मैंने ले लिया, एक्स बराबर मैंने सपोज तीन ले लिया, देखो एक्स बराबर मैंने तीन ले लिया, वाई बराबर मैंने दो ले लिया, देखो तो तीन इंटू दो यानी छह आएगा, छह एक सम संख्या। देखो जेड बराबर मैंने ले लिया सपोज पांच ले लिया, देखो भाई अपने वो कोशिश ये करनी है कि ये बात डिस्प्रूव हो जाए तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अगर सिंपल सिंपल अपन संख्या सीधी ले लेंगे तब तो ये बात भी सत्य आ जाएगी। देखो कोशिश अपने को ये करनी है कि ऐसी संख्याएं अपन ले, ऐसी संख्याएं ले कि ये बात डिस्प्रूव हो जाए, देखो तब वो संबंध क्या आ जाएगा, फिर अगर फिर भी वो बात प्रूव हो जाती है तब वो संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। देखो तो यहाँ पे अगर मैं x बराबर तीन लेता हूँ, y बराबर अगर मैं दो लेता हूँ तो छह आएगा, छह एक सम संख्या। देखो y बराबर दो ले लिया मैंने, z बराबर पांच ले लिया, कितना आएगा, दस, दस एक सम संख्या। देखो अब यही मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो x की जगह मैं रख रहा हूँ तीन, z की जगह मैं रख रहा हूँ पांच, यानी कितना आएगा देखो पंद्रह, पंद्रह सम है, असत्य बात है, देखो असत्य बात है, और असत्य बात है इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है, ये अपन कह सकते हैं संक्रामक नहीं होगा। देखो ये संबंध तो समतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, केवल सममित है। देखो अब यहाँ पे अगर अपन ये ले ले, मान लो ये ले ले x प्लस वाई सम है, देखो x प्लस वाई सम है, ये ले ले, देखो x प्लस वाई सम है, ये अपन ने ले लिया। देखो अपन ने ले लिया कि x प्लस वाई क्या है, सम है, देखो ये अपन ने ले लिया, तो समतुल्य अपन चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखो समतुल्य चेक करेंगे तो क्या करेंगे अपन, y की जगह x करेंगे, देखो y की जगह x करेंगे तो देखो 2x क्या होता है, सम होता है, किसी भी संख्या को अगर दो से गुणा कर देते हैं तो वो सम संख्या ही रहती है, तो इसका मतलब सम हो जाएगी। देखो फिर अपन सममित चेक करेंगे, सममित चेक करने का मतलब क्या हो गया, प्लस संक्रिया, देखो प्लस संक्रिया हमेशा क्रम विनिमय होती है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो सममित भी हो जाएगा, समतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। संक्रामक अगर चेक करना है तो देखो केवल इतना मान लो, देखो x का संबंध y से मान लेंगे, y का z से मान लेंगे, फिर x का संबंध z से होना चाहिए, देखो x का संबंध z से होना चाहिए। अब इसका मतलब तो ये हो गया, देखो x प्लस y सम है, इसका मतलब ये हो गया कि y प्लस z सम है, ये ले लेंगे। देखो इसका मतलब है x प्लस z सम है, इसका मतलब ये है कि x प्लस z सम है। तो ऐसी तीन संख्याएं लो जो इसको सेटिस्फाई करे, अगर वो ही संख्या इसको भी सेटिस्फाई कर देती है तब अपन कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। देखो तो x बराबर ले लिया सपोज मैंने एक ले लिया, y बराबर ले लिया मैंने देखो तीन ले लिया, x बराबर एक लेते हैं, y बराबर तीन लेते हैं तो कितना आएगा, चार आएगा, जो कि एक सम संख्या है। y बराबर अगर मैंने तीन ले लिया तो z बराबर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, तीन ले लिया तो z बराबर या तो मैं पांच ले सकता हूँ या सात ले सकता हूँ, मान लो ये ले लिया, देखो सात ले लिया। x बराबर मैं एक लेता हूँ, y बराबर तीन लेता हूँ, z बराबर सात लेता हूँ, सम संख्या तो ले नहीं सकता। अगर y बराबर तीन ले लिया तो मैं z बराबर छह तो ले नहीं सकता, z बराबर मेरे को या तो सात लेना पड़ेगा या नौ लेना पड़ेगा, तभी होगा ये सम संख्या। अब यही मान मैं यहाँ रखूंगा, देखो यही मान मैं यहाँ पे रखता हूँ, x की जगह एक कर दिया मैंने, z की जगह सात कर दिया, कितना आएगा, आठ, आठ एक सम संख्या। देखो
सत्यवाद आ रही है, और सत्यवाद आ रही है इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, और संक्रामक हो जाएगा इसका मतलब ये समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो तुल्यता संबंध हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये एक तुल्यता संबंध का एग्जांपल अपन देख रहे हैं, देखो तुल्यता संबंध हो जाएगा ये अपन कह सकते हैं। देखो एक एग्जांपल अपन और देख रहे हैं, देखो समूचे ले लिया अपन ने, सपोज एन ले लिया, देखो समूचे अपन ने एन ले लिया, ए का संबंध बी से अपन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि ए प्लस टू बी, तीन का गुणज है, देखो ये संबंध अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ए प्लस टू बी है वो थ्री का मल्टीपल है, अपने वो चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, अपने वो चेक करना। देखो तो कितना आसानी से इसको अपन चेक कर सकते हैं, देखो समझना इस बात को, अपने को ये देखा है कि ए प्लस टू बी अगर तीन का मल्टीपल होगा ना तभी ए और बी का आपस में संबंध होगा। देखो ए और बी का संबंध कब हो सकता है, यदि ये कंडीशन होता, ये कंडीशन डिफाइन कर दी, ये अपने समाज में भी जैसे कंडीशन होती है वैसी कंडीशन यहाँ लगा दी। देखो तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो समतुल्य की, समतुल्य चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है दोनों को सेम करके देख लेना, अगर दोनों को सेम करने पर सही बात आती है तब वो संबंध क्या होता है, समतुल्य होता है। देखो समतुल्य चेक करने का क्या तरीका है, देखो बी की जगह ए करके देख लेंगे, अगर B की जगह A करता हूं तो मैं देखो इस बात को दोबारा लिख रहा हूं, B की जगह A करके इसको रीराइट कर लेना, एक बार दोबारा लिख लेना। देखो B की जगह मैंने A कर दिया, अब यहां से आ रहा है देखो 3A, 3 का मल्टीपल है, देखो 3 का गुणज है, ये आ रहा है। अब चाहे यहां से आप A का मान कुछ भी ले लो, देखो A बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो 3 आएगा जो कि 3 का मल्टीपल है, देखो 2 लूंगा तो कितना आएगा 6, वो भी 3 का मल्टीपल है, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए बात सही आएगी। देखो सत्य बात आ रही है, तीन ही हमेशा तीन का गुणज होता है, सत्य बात आ रही है, देखो और सत्य आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो समतुल्य हो जाएगा, ये संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। देखो आसानी से अपन चेक कर सकते हैं, देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं, देखो इसको सममित चेक कर रहे हैं, सेकंड अपन चेक कर रहे हैं, सममित चेक कर रहे हैं, देखो सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, देखो ए का संबंध आपको बी से मानना है, ए का संबंध अपन बी से मानेंगे, देखो ए का संबंध बी से मानेंगे और ये अपन सिद्ध करके बताएंगे कि बी का संबंध भी किससे है, ए से। देखो ए का संबंध अपने को बी से मानना है और बी का संबंध ए से सिद्ध करना। देखो ए का संबंध बी से इस बात का क्या मतलब है, देखो एक बार ऐसे डिफाइन करके लिख लेंगे, देखो इसका मतलब है कि ए प्लस टू बी तीन का गुणज है, इस बात का मतलब ये, देखो इस बात का मतलब ये है कि a प्लस टू बी तीन का गुणज है। देखो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, देखो b प्लस टू ए तीन का गुणज है, इसका मतलब है कि b प्लस टू ए है वो क्या है, तीन का गुणज है। देखो इस बात का मतलब ये, देखो याद रख, ठीक है ये बात। अब ऐसी दो संख्याएं लो जो इसको सेटिस्फाई करें, फिर उन्हीं संख्याओं के लिए अपन इसको चेक करेंगे। देखो ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करें, जैसे a बराबर सपोज मैंने ले लिया मान लो 1, a बराबर मैंने 1 ले लिया, अब b बराबर मैं क्या लूं कि ये 3 का मल्टीप्लाई, तो b बराबर अगर मैं ले लेता हूं यहां पे कितना ले लूं, जैसे 7 ले लेता हूं, अगर a बराबर मैं 1 ले लूं b बराबर 7 ले लूं तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, और 15 क्या होता है, देखो 3 का मल्टीपल होता है, 3 का भाग जाता है उसमें। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करें, देखो a बराबर अपने 1 ले लिया, b बराबर 7 ले लिया, देखो a बराबर 1 लेते हैं b बराबर 7 लेते हैं तो ये 15 आएगा, 15 क्या है, 3 का गुणज है, ये अपन कह सकते हैं। देखो अब यही मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो यही मान अपन यहाँ पर रख रहे हैं, देखो b की जगह मैंने 7 रख दिया, a की जगह मैंने 1 रख दिया, देखो कितना आएगा, ये 9 आएगा, और 9 क्या होता है, 3 का गुणज होता है। देखो सही बात है, 9 क्या होता है, 3 का गुणज होता है। कोई भी संख्या आप लेके चेक कर सकते हो, कोई भी संख्या आप लेके चेक कर सकते हो, a बराबर 1 b बराबर 7 इसको संतुष्ट कर रही है, वही संख्या मैंने यहाँ रख के देखी है। देखो ये बात भी क्या आ रही है, सत्य बात आ रही है, सही बात आ रही है। देखो और कोई संख्या लेके देख लो आप भी, और कोई संख्या आप लेके चेक कर सकते हैं, सपोज a बराबर ले लिया मैंने 3, a बराबर मैंने 3 ले लिया, b बराबर कितना लेंगे, 3 का गुणज आ जाएगी, b बराबर ले लिया सपोज अपने 6 ले लिया, देखो या और कोई संख्या ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, b बराबर अपने 6 ले लिया तो 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा। देखो 9 अगर अपन लेते हैं तो कितना आएगा,
18 और 18 और 3 21, 9 सपोज 9 ले लिया अपने, कुछ भी ले लो, 9 ले लिया अपन, a बराबर 3 ले रहा हूँ, b बराबर अगर 9 ले रहा हूँ तो ये बनेगा कितना 21, 21 3 का मल्टीपल होता है। अब यही मान अपन यहाँ रखेंगे, देखो 9 प्लस 2 गुणा a की जगह मैंने 3 कर दिया, देखो ये आ रहा है 15, और 15 क्या होता है 3 का गुणज होता है, देखो 3 का मल्टीपल होता है, ये सही बात है, देखो सत्य बात है और सत्य है, इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, देखो सत्य बात है इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा, सिमेट्रिक संबंध हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। उसके बाद में अपन चेक कर रहे हैं देखो संक्रामक, उसके बाद में अपन चेक कर रहे हैं संक्रामक, चेक कर रहे हैं उसके बाद में अपन चेक कर रहे हैं संक्रामक, चेक कर रहे हैं। संक्रामक का मतलब ये होता है देखो, उसके बाद में अपन चेक कर रहे हैं संक्रामक, चेक कर रहे हैं। संक्रामक का मतलब ये होता है ए का संबंध अपन बी से मानेंगे, देखो बी का संबंध अपन सी से मानेंगे, फिर ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए, देखो बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, देखो ए का संबंध बी से, इसका मतलब ये है देखो ए प्लस टू बी 3 का गुणज है, इसका मतलब तो ये हो गया, देखो इसका मतलब ये है कि बी प्लस टू सी 3 का गुणज है, देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है देखो a प्लस टू सी 3 का गुणज है, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है। अब ऐसी तीन संख्याएं लो जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, देखो ऐसी तीन संख्याएं लेनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, अगर वही संख्याएं इसको भी सेटिस्फाई कर देती हैं तब अपन कहेंगे कि वो संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है। देखो तो a बराबर मैंने ले लिया 1 ले लिया, देखो अगर a बराबर 1 लेता हूं तो b बराबर मेरे को लेना पड़ेगा कितना, फिर देखो 7 ले लेता हूं, 7 ले लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 3 का गुणज है। अब b बराबर 7 ले लिया तो c बराबर मैं क्या लूं कि ये 3 का मल्टीपल आ जाए, b बराबर मैंने 7 लिया, देखो c बराबर कितना ले लें, देखो c बराबर अपन ले सकते हैं कितना 4, 4 ले सकते हैं, देखो अगर b बराबर मैं 7 लेता हूं c बराबर 4 लेता हूं तो ये 15 बनेगा, 15 3 का गुणज होता है, ठीक बात है। अब ये मान अपने को यहां रख के देखने, देखो कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान मैं यहां रख के देखूंगा, देखो a का मान मैं रख रहा हूं, देखो a की जगह रख दिया मैंने 1 रख दिया, C की जगह मैंने 4 रख दिया, देखो कितना आएगा 9, और 9 क्या होता है 3 का गुणज होता है, देखो 9 क्या होता है 3 का गुणज होता है, ये बात अपन जानते हैं, तो इसका मतलब सत्य बात है, यानी ये जो बात है वो क्या है, सत्य बात है, और सत्य इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, ये बात अपन जानते हैं। इससे नेक्स्ट अपन ये बात करेंगे कि जैसे गणना से संबंधित क्वेश्चन अपन करेंगे, समतुल्य कितने हो सकते हैं, सममित कितने हो सकते हैं, फिर कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल जो तुल्यता संबंध के रिलेटेड है वो अपन करेंगे। देखो उससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर रहे हैं, देखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आंशिक क्रम संबंध के, देखो आंशिक क्रम संबंध, उससे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो आंशिक क्रम संबंध की, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात कर रहे हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात कर रहे हैं, देखो आंशिक क्रम संबंध की बात कर रहे हैं। आंशिक क्रम संबंध का मतलब ये होता है देखो समूचे ए पर, समूचे ए पर संबंध आर, आंशिक क्रम संबंध कहलाता है, आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। यदि R फर्स्ट, पहली बात तो क्या होना चाहिए देखो समतुल्य होना चाहिए, पहली बात तो क्या होना चाहिए समतुल्य होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए देखो सेकंड होना चाहिए प्रतिसमित, सेकंड क्या होना चाहिए प्रतिसमित होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए देखो ट्रांजिटिव होना चाहिए यानी संक्रामक होना चाहिए, देखो यानी ऐसा संबंध जो समतुल्य होना चाहिए, देखो ऐसा संबंध जो समतुल्य हो, प्रतिसमित हो, संक्रामक हो, उस संबंध को अपन कहते हैं आंशिक क्रम संबंध कहते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। देखो और मोस्टली अगर देखिए तो इसके तीन ही एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल तो अपन ये डिफाइन ऐसे लिख सकते हैं, देखो समूचे n, इस पे अपने एक संबंध ऐसे डिफाइन कर दिया, देखो a b का भाजक है, a b का भाजक है, इस तरीके से अपने एक संबंध डिफाइन कर दिया, देखो
एक संबंध अपन इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि ए बी का भाजक है। देखो अब ये जो संबंध है वो देखो प्रतिसमित संबंध हो जाएगा। प्रतिसमित संबंध का मतलब ये होता है कि कोई भी संबंध अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से केवल और केवल तभी हो सके जब अपन ए बराबर बी ले देंगे। ऐसा अगर कोई संबंध है, पहले अपन बात कर चुके हैं जहां बेसिक डेफिनेशन अपने पढ़ी थी वहां अपन ने बात की थी, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से केवल और केवल तभी होना चाहिए जब अपन दोनों को बराबर ले लें। ऐसा अगर कोई संबंध है तो ऐसे संबंध को अपन कहते हैं देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, प्रतिसमित संबंध कहते हैं। देखो तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो समतुल्य हो जाएगा ये संबंध। बी की जगह अगर मैं ए करता हूँ तो देखो बी की जगह ए करने पे क्या आएगा, ए ए का भाजक है, पर अपन जानते हैं प्रत्येक संख्या खुद की भाजक होती है, इसका मतलब समतुल्य हो जाएगा। देखो समतुल्य हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, प्रतिसमित हो जाएगा। देखो पहले अपन बात कर चुके हैं प्रतिसमित हो जाएगा। देखो अगर मैं ए बराबर दो लेता हूँ, बी बराबर अगर मैं चार लेता हूँ, तब देखो ए तो बी का भाजक है लेकिन बी ए का भाजक नहीं है। देखो बी ए का भाजक नहीं है, अगर ए बराबर दो ले लें, बी बराबर चार ले लें, तब ए तो बी का भाजक हो जाएगा लेकिन बी ए का भाजक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ए बराबर भी दो ले लूं, बी बराबर भी दो ले लूं, देखो तब ए भी बी का भाजक है और बी भी ए का भाजक है। तब ए का संबंध बी से हो जाएगा, बी का संबंध बी से हो जाएगा। देखो कहने का मतलब ऐसा संबंध जो उल्टा तभी सत्य हो जब दोनों अपन बराबर लेते हैं, अगर ऐसा कोई संबंध है तो उसको अपन कहते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देखो संक्रामक ये हो ही जाएगा, भी ए में ए का भाग अगर बी में जा रहा है, बी का भाग अगर सी में जाता है तो ए का भाग भी हमेशा सी के अंदर जाता है। तो ये संबंध संक्रामक भी हो जाएगा, प्रतिसमित भी हो जाएगा, समतुल्य भी हो जाएगा। तो ये एग्जांपल अपन देख सकते हैं देखो जो क्या होगा, आंशिक क्रम संबंध होगा। देखो आंशिक क्रम संबंध के एग्जांपल अपन देख रहे हैं। देखो एक तो अपन ये ले सकते हैं, देखो सेकंड मैंने ये ले लिया, देखो समूचे मैंने एन ले लिया। अब ए का बी से संबंध अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया, देखो ए लेस देन इक्वल टू बी, ये डिफाइन कर दिया। देखो अब ये संबंध भी ऐसा संबंध है देखो जो उल्टा तभी सत्य होता है जब दोनों बराबर ले लें। अगर मैं ए बराबर भी मान लूं मैं दो ले लूं और बी बराबर भी अगर मैं दो ले लूं, तब ए को अपन लेस देन इक्वल टू बी लिख सकते हैं और बी को अपन लेस देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं, दोनों बातें लिख सकते हैं। अगर मैं ए बराबर भी दो ले लूं, बी बराबर भी दो ले लूं, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। देखो तो उल्टा तभी सत्य होगा जब दोनों अपन बराबर लेंगे। देखो तीसरा एग्जाम्पल अपन ये ले सकते हैं, देखो कोई पावर सेट ऑफ ए ले लिया। देखो अपन अब ए का संबंध बी से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया, देखो इस तरीके से डिफाइन कर दिया, देखो ऐसा डिफाइन कर दिया। देखो भाई ये समतुल्य तो हो ही जाएगा, अगर बी की जगह मैं ए करूंगा तो ए सबसेट ऑफ ए आएगा, और अपन ये बात जानते हैं प्रत्येक समूचे समय का उपसमूचे होता है, समतुल्य हो जाएगा। प्रतिसमित का मतलब ये होता है कि उल्टा तभी सत्य हो जब दोनों अपन बराबर ले लें। तो यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो अगर मैं ए बराबर ले लेता हूँ, एक दो ले लेता हूँ, बी बराबर अगर मैं एक दो ले लेता हूँ, देखो तब ए को अपन बी का सबसेट कह सकते हैं और बी को अपन ए का सबसेट कह सकते हैं, दोनों बातें एक साथ सही हो जाएंगे। तो यानी ये जो संबंध है वो उल्टा तभी सत्य होता है जब अपन दोनों बराबर ले लें। तो ऐसा जो संबंध होता है उसको अपन कहते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो ये मोस्टली ये तीन एग्जांपल अपने को देखने को मिलते हैं जो कि आंशिक क्रम संबंध से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आज डिस्कस करेंगे, देखो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि कोई भी समूचे उसके ऊपर अपन समतुल्य संबंध कितने डिफाइन कर सकते हैं, सममित संबंध अपन कितने डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।